नमो नमः। मम नाम साहिल पटनायक अस्ति। अहं षष्ठी कक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम आर्मी पब्लिक विद्यालय रिंजान अस्ति। अद्य अहम् एकं श्लोकं पठितुम् इच्छामि। मम श्लोकस्य नाम लिङ्गाष्टकम् अस्ति। ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गं देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदहनकरुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गं सर्वसुगन्धसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गं देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गं अष्टदलोपरिवेशिष्टलिङ्गं सिद्धसमुद्भवकारणलिङ्गं अष्टदरिद्रविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गं सुरगुरुसुरवणपूजितलिङ्गं सुरवणुपुष्पसदार्चितलिङ्गं पारतपरं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गं। लिङ्गाष्टकं भगवान शिवजी के लिंग स्वरूप की स्तुति करने का उत्तम अष्टक है। लिंगाष्टकम श्लोक का यह भावार्थ है कि ब्रह्मा विष्णु देवी देवता सुर असुर सभी जन इन्हें अपना इष्ट देव मानते हैं और इनकी पूजा करते हैं। शिवलिंग कुमकुम चंदन सुगंध इत्र कमल के हार सोनी चांदी तथा सर्पों से सुशोभित हैं। इनके तेज हजारों सूर्यों के रोशनी के समान हैं। ये सदाशिव करुणा के सागर हैं तथा जन्म और मृत्यु के सारे दुखों को विनाश करते हैं। इन्होंने रावण के अहंकार को भी विनाश किया था और संसार में जो सब हो रहा है इन्हीं के कारण हो रहा है। ये सारे देवी देवताओं द्वारा पूजे जाते हैं। ऐसे लिंग स्वरूप शिव को मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ। लिंगाष्टकम को जो कोई भक्ति भाव से पाठ करते हैं उनके सारे इच्छाएं स्वयं शिव शंकर पूरी करते हैं। धन्यवाद।